बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो तरह की जेली की इतनी शानदार, इतनी आसान रेसिपी कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये किसी भी चीज में डालने के लिए, फ्रूट चाट में या फिर किसी ड्रिंक में या फिर किसी डिजर्ट में डालने के लिए बहुत अच्छी है और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। बहुत सारे लोग जब जेली बनाते हैं तो वो जेली इतनी सॉफ्ट बनती है कि उसे हाथ लगाएं तो वो टूट जाती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी जेली हार्ड बन के तैयार हो तो मैं आपको जेली के हवाले से बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, आप लोग इसे इजीली अपने घर में बना के तैयार कर लेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया किए जेली बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जेली ली है हमने दो फ्लेवर में, एक हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ली है और दूसरी हमने बनाना फ्लेवर में ली है। ये आपको किसी भी बड़े जनरल स्टोर से आसानी मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते ये बॉक्स होते हैं और बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ और दूसरी तरफ गैस पे रख देंगे हम एक अदद पैन और इसमें हम डालेंगे एक कप पानी। वैसे तो जेली के डब्बे के ऊपर दो कप पानी लिखा हुआ होता है, सारी रेसिपी जो है वो जेली के डब्बे के ऊपर मौजूद होती है, लेकिन अगर आप लोग इसमें दो कप पानी डालेंगे तो ये जेली जो है वो बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगी और बहुत जल्दी टूटने लग जाएगी। अगर आप लोग थोड़ी सी हार्ड वाली जेली बनाना चाहते हैं तो आप लोग जस्ट इसमें एक कप ऐड करिएगा पानी और पानी को यहाँ पर हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ये देखिए डिब्बे में से एक इस तरह का साशे निकलता है और आप देख सकते हैं पानी में भी बहुत अच्छी तरह से उबाल आने लग चुका है। और अब हम इसमें ये साशे डाल देंगे जो हमने डिब्बे में से निकाला है और यहाँ पर इसे हम हल करेंगे पानी में बहुत अच्छी तरह से। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर आप लोगों ने मीडियम रखना है, तब तक आपने चम्मच इसमें चलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर ये अच्छी तरह से हल ना हो जाए। ये देखिए सारा जो मिक्सचर है वो पानी में अच्छी तरह से हल हो चुका हुआ है और यहाँ पर हम इसमें तकरीबन दो से तीन उबाल आने देंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। ये लीजिए यहाँ पर आप देखिए जेली जो है हमारी वो काफी थिक हो चुकी है और इसे अब हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और आपने बहुत देर तक इसको पड़ा नहीं रहने देना, फौरन से आपने इसे बर्तन में निकाल लेना है। ये लीजिए यहाँ पर एक हम इस तरह की प्लेट लेंगे और इसमें हम ये मिक्सचर डाल देंगे जेली का। ये ले जी, और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं और बाद में हम इसे रखते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में ताकि ये जबरदस्त सी जम जाए। इतने में ये रूम टेम्परेचर पे आती है, हम अपनी दूसरी जेली तैयार कर लेते हैं जो कि बनाना फ्लेवर में हमने ले रखी है। फिर से गैस पे रखेंगे हम एक अदद पैन और इसमें हम डालेंगे एक कप पानी और पानी में हम अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। ये देखे यहाँ पर पानी में अच्छी तरह से उबाल आने लग चुका है और अब हम इसमें ये साशे डालेंगे जो बनाना फ्लेवर में हमने ले रखा है और चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से हल हो जाए पानी में। और इन जेलीज के रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आने वाली हूँ, बस आप लोगों ने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ लगे घंटी के बटन को आपने दबा देना है। उससे ये होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और यहाँ पर इस जेली में भी हम तकरीबन दो से तीन उबाल आने देंगे। ये लें जी, इस जेली में भी तकरीबन दो से तीन उबाल जो है वो आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेली भी काफी थिक हो चुकी है। और इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और फ्रिज में रखते हैं आधे घंटे के लिए। मिलते हैं आधे घंटे के बाद और चलते हैं फिर फाइनल लुक की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कितनी जबरदस्त सी बनके तैयार हुई हैं। ये ले जी यहाँ पर आप देखिए कि आधा घंटा हो चुका है जेली को फ्रिज में रखे हुए और जेली हमारी जो है वो जबरदस्त सी जम चुकी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है, ठीक है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये लें जी जेली की जो कंप्लीट कटिंग है जो वो हो चुकी है और अब हम एक स्पैचुला लेंगे और इसकी सबसे पहले हम साइडें रिमूव करेंगे और इसको इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त सी, कितनी शानदार सी हमारी स्ट्रॉबेरी जेली जो है वो बनके तैयार हो चुकी है।
ये किसी भी चीज की डेकोरेशन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बना के एक बार बच्चों को दीजिएगा, बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आती है और बच्चे आपके इंशाल्लाह फैन हो जाएंगे। मेरे कहने पे आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके जरूर इसको अपने घरों में ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर ग्रीन वाली जेली की भी हमने कटिंग कर ली हुई है, ये भी बहुत जबरदस्त सी बन के तैयार हुई है। आप लोग भी इसे जरूर अपने घरों में ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।